नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट के बीच सुरक्षा बल एक्शन में है। जंगलों में घात लगाए आतंकियों का सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना की बटालियन के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब शामिल है। देखिए रिपोर्ट। कठुआ, डोडा, नौशेरा, आतंक का अगला टारगेट कहां? जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है, सुरक्षा बल एक्शन में है, एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं, क्योंकि दहशत गर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई झुंड बनाकर बाहर निकली है। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घात लगाए बैठे हैं। अब तक 4 इलाके में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानिए। 12 जून की दोपहर जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा में संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पर है। नौशेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 11 जून को आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। 11 जून दहशत गर्दों ने जम्मू के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में ग्रामीणों पर पानी नहीं देने पर फायरिंग कर दी थी। आतंकियों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी पर आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। 9 जून को जम्मू के कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस खाई में जा गिरी। 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हुए। मतलब ये कि सरहद पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की पालतू पलटन भारत में कत्लेआम मचाने के लिए भेजी गई है, मगर आतंकी आकाओं के फरमान पर खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक मारे गए दहशत गर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है। सिकरकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी सीआरपीएफ पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहां पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहां जारी है, तो आतंकवादी को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कुछ पाकिस्तान मेड भी है, कुछ चीजें हैं जो ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। तस्वीरें जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर में ढेर हुए दहशत गर्दों की है। आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1,00,000 कैश, M4 कारबाइन, AK-47 बरामद हुई। आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उससे साफ है कि ये दहशतगर्द लंबे वक्त तक हमले की प्लानिंग लेकर भारत में घुसे थे, क्योंकि दहशतगर्दों के पास खाने पीने के सामान के साथ 1,00,000 कैश भी बरामद हुआ है। गांव में 2 आतंकवादियों को कल शाम से न्यूट्रलाइज किया गया है। जो ऑपरेशन चला, एक मेजर लेवल का ऑपरेशन जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी और बाकी एजेंसीज
के ऑफिशियल्स और जवान थे। लगातार कल शाम से 18 घंटे की मशक्कत के बाद दो आतंकवादी मारे गए। जो दो आतंकवादी है इन्हीं पहाड़ों को चीरते हुए हीरानगर सेक्टर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। पाकिस्तान से एमिनेशन, आर्म्स और एमिनेशन की एक बारी खपत उनके साथ थी, जिसमें ग्रेनेड थे, आईडी था, हथियार थे, उनको लेकर ये इन्फिल्ट्रेट उन्होंने यहाँ से किया। कठुआ में आतंकियों ने किस तरह हमले को अंजाम दिया, चश्मदीद की जुबानी सुनी। किसने मारी है। सुरक्षा बल की मुस्तैदी से कश्मीर घाटी के कुपावड़ा में एक आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी आतंकी का नाम शब्बीर अहमद बताया जा रहा है। आतंकी के पास से सुरक्षा बल को 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और 10 बुलेट भी मिली है। घाटी में आतंकियों के पनाह देने वाले भी शिनाख्त की जा रही है उनकी। साथ ही आतंकी संगठन TRF की कुंडली भी सेना को मिली है। टेरर नेटवर्क पर बड़ा पर्दाफाश इस रिपोर्ट में देखिए। हाफिज मोहम्मद सईद और टेरर प्रोफेसर, ये आतंकी आका भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जहर बुझे भाषण बांचने वाला हाफिज सईद लाहौर की मस्जिद में बैठकर खूनी फरमान सुनाता है। हाफिज सईद ने 26/11 जैसा टेरर अटैक को अंजाम देकर पूरी दुनिया को दहला दिया था, लेकिन हाफिज के बनाए और फैलाए आतंकी संगठन लश्करे तैयबा की कुंडली जैसे जैसे खुलती गई, इस आतंकी सरगना ने नए नाम से टेरर गुटों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। हाफिज सईद के बारूदी दिमाग की उपज है TRF, जिसका पूरा नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। शांति का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था, काफी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी छोटी मोटी घटनाओं के अलावा। जब इलेक्शन में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नींद हराम हो गई। और जो लोग, जो ग्रुप सिर्फ इस बात का एजेंडा चलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में अशांति कैसे पैदा की जाए, तो उन लोगों की सस्टेनेंस पे खतरा खड़ा हो गया। जम्मू के रियासी आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला TRF टेरर ग्रुप असल में लश्कर तैयबा की हाईटेक आतंकी ब्रिगेड है। इस टेरर गुट को बनाने की सबसे बड़ी वजह लश्कर के आका हाफिज सईद को पर्दे के पीछे रखने की है, जिसमें पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के जनरलों की बराबर हिस्सेदारी है। जब से पाकिस्तान टेरर फंडिंग को लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर बेनकाब हुआ, तब से नए नाम से आतंकी संगठनों की भरमार हो गई। कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट 2019 में सामने आया। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ। TRF का टॉप कमांडर शेख सज्जाद गुल है। शेख सज्जाद गुल श्रीनगर के रोज एवेन्यू कॉलोनी का रहने वाला है, जिस पर जून 2018 में कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप है। साल 2023 में UAPA कानून के तहत TRF पर बैन लगा दिया गया। TRF की तरह घाटी में कई आतंकी गुट नाम बदलकर फन उठा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम सेना के हिटलिस्ट में टॉप पर है। गजनवी फोर्स को जैश मोहम्मद से फंडिंग मिलती है। ये सीधे आतंकी हमला करने की बजाय सोशल प्लेटफॉर्म पर आतंकी नैरेटिव सेट करता है और लोगों को भड़काता है। गजनवी फोर्स घुसपैठिए आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क भी तैयार करता है।
रियासी आतंकी हमले में इन्हीं ओवरग्राउंड वर्करों का बड़ा रोल माना जा रहा है, मगर सुरक्षा बल की मुस्तैदी और सेना की सख्त निगरानी से आतंकी गुटों की तमाम साजिशें नाकाम हो रही हैं। घाटी में आतंकी वारदातों में भारी कमी प्रमाण है कि पाकिस्तान परस्त दहशत गर्दों का अंत करीब है। जम्मू कश्मीर में साल 2018 में 228 आतंकी वारदात अंजाम दी गई थी, जबकि 2023 में सिर्फ 44 आतंकी हमले हुए। साल 2028 में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जहां 118 एनकाउंटर हुए थे, वहीं 2023 में सिर्फ 48 मुठभेड़ हुई। 2018 में आतंकी हमले में जहां 55 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2023 में ये आंकड़ा सिर्फ 13 तक सिमट गया। घाटी में पत्थरबाजी और आए दिन होने वाले बंद अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ ही समाप्त हो गए। घाटी में लौटा यही अमन सुकून पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को रास नहीं आ रहा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग ने भी पाकिस्तानी सेना और उसके पालतू आतंकियों के लिए जोर का झटका साबित हुआ। जम्मू कश्मीर की शांति और खुशहाली आतंकियों के अंत की शुरुआत है। जाहिर है ऐसे में आतंकी आकाओं की फड़फड़ाहट बढ़ गई है, लेकिन भारत में घुसपैठ करने वाले हर आतंकी की जगह पहले ही तय कर दी गई है, वो है जहन्नुम। जम्मू के जंगलों में छिपकर बैठे आतंकियों का डेथ वारंट रिलीज हो चुका है। सेना से सामना होते ही दहशत गर्दों को दफन कर दिया जाएगा। और इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर सियासत होनी शुरू हो गई है। आतंकी हमले पर विपक्ष हमलावर है। उद्धव ठाकरे गुट ने सीधा गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अमित शाह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकी हमलों पर सियासत। आतंकी हमलों पर विपक्ष हुआ हमलावर। विपक्ष का गृह मंत्री अमित शाह पर तंज। एक तरफ जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन आतंकी हमलों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला किया। वही उद्धव ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में हुए हमलों के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। सातत्याने जम्मू मध्ये हल्ले सुरू आहेत। आज सुद्धा बातमी आलेली आहे की सीआरपीएफ जवानांच्या काफिल्यावर हल्ला झाला आणि सीआरपीएफचे जवान शहीद झाले। 370 कलम काढल्याचा डंका अमित शाह वाजवत आहेत, पण तेव्हापासूनही काश्मीरमध्ये शांतता अजिबात नांदलेली नाही। कश्मीरी पंडित त्यांच्या घरी जाऊ शकले नाहीत, हे गृहमंत्र्यांचं अपयश आहे, विशेषतः आता परत त्यांना गृहमंत्रीपद दिल्यावर। अब की बार वाले कहां गए, अभी बार बार वहां हमले हो रहे, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था, 370 आर्टिकल हमने निकाला, उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने। क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में, जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है सरकार की। सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी का अभी अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ, तीन दिन में तीन हमले हुए हैं, तो जिम्मेदार कौन है।
यही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि कश्मीर से भी आतंकी हमलों पर सियासत हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बात करने की मांग कर दी है। Unfortunately, we still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people get die. फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बात करने की मांग पर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। बीजेपी के कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान आतंक का मसीहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर पाकिस्तान की हिमायत की है और इन आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान से बात करने की दोबारा से राग लापा है। सुरक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में काम करके जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, अपने बलिदान दे करके भी जम्मू कश्मीर को सुधारा है, लेकिन जो पाकिस्तान आतंक का मसीहा है, पूरा विश्व उसको इस चीज़ के लिए नकारता है, तो ये हमेशा से उनके साथ बात करने की, मुझे लगता है कि जिम्मेदार व्यक्ति को जो चीफ मिनिस्टर रहा है, इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आतंकी हमलों को लेकर विपक्ष सियासत में जुटा है तो सरकार एक्शन में। गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक हर जगह से आतंकियों को नेस्तोनाबूद करने के सख्त निर्देश हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने साफ किया कि जब तक जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता, तब तक सुरक्षा बल और प्रशासन के लोग आराम नहीं करेंगे।